नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम या वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। तो आज हम आए हैं सिकंदराबाद से 40 किलोमीटर दूर एक झील के पास। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था, उसी तरह आज हम इस वीडियो में मैं जितने भी मेरा बाइक को मॉडिफिकेशन करवाया है और इसमें जितने भी एक्सेसरीज फिट करवाया है उन सब के बारे में बात करेंगे। इन टोटल छोटा मोटा सब मिला के मैंने इस बाइक में 17 एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन करवाया है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले फ्रंट से। तो हमारा पहला एक्सेसरी है ये हैंडल बार। ये हैंडल बार मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से मंगाया है। दिस इज अ परफेक्ट एंड मेड फॉर होंडा हाइनेस हैंडल बार है। वैसे स्टॉक हैंडल बार जो है वो बेहतरीन है, फिर भी मेरा हाइट की वजह से मुझे थोड़ा सामने बेंड होना पड़ रहा था और सैडलिंग करते वक्त मुझे हैंडल बार थोड़ा झुकना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये हैंडल बार मंगाया। इस हैंडल बार की वजह से ये हैंडल थोड़ा ऊपर आता है और चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल है। जब आप 90 या 100 में क्रूजिंग कर रहे हो तब ये मोस्ट कंफर्टेबल हैंडल बार रहेगा और चलाने में भी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज का हमारा दूसरा एक्सेसरी है वो है ग्रैंड पिट स्टॉप का ये मोबाइल होल्डर। मैंने डिलिबरेटली इसमें चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन नहीं लिया है, मैंने बेसिक मोबाइल होल्डर लिया है क्योंकि होंडा हाइनेस में ऑलरेडी चार्जिंग पोर्ट इनबिल्ट आता है तो मुझे कोई भी चार्जिंग पोर्ट का जरूरी नहीं है इस मोबाइल होल्डर में। पर इस मोबाइल का बिकॉज ऑफ द लेंथ इसमें ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द मोबाइल कम्प्लीटली फिट हो जाता है, इसके वजह से आपको डर नहीं रहता है। और इफ अगर देख रहे हो ये भी एक जे जॉ क्लिप के हिसाब से है तो आपको डर नहीं रहता है आपका मोबाइल कहीं स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। आज का हमारा तीसरा एक्सेसरी है वो है ये मिरर्स। हाँ, मैंने होंडा हाइनेस का जो ओरिजिनल मिरर्स था उसको निकलवा के ये जो बजाज अवेंजर का मिरर्स है उसको फिट कराया है क्योंकि होंडा हाइनेस का जो मिरर्स है वो राउंड शेप में है और जब भी मैं राइड करता रहता हूँ मेरा आधा हाथ उसमें दिखता रहता है और बैक व्यू बहुत कम दिखता है। पर इस मिरर्स में मुझे पूरा क्लियर व्यू रहता है, इसलिए मैंने जो क्लासिक राउंड डिज़ाइन जो था उसको निकलवा के ये स्क्वायर वाला मिरर अपडेट करवाया है। आज का हमारा चौथा एक्सेसरी है वो है ये नकल प्रोटेक्टर। ये नकल प्रोटेक्टर मैंने डायनामिक राइडर से इंस्टॉल करवाया था और ये बाहर से प्लास्टिक है मगर अंदर का ये जो रॉड है वो एल्यूमिनियम रॉड है। इसके वजह से इन केस अगर आपका बाइक नीचे कहीं गिरता है, इवन अगर ये प्लास्टिक भी टूटता है, फिर भी आपको ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो आपका नकल को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है पीपीई का लैमिनेशन। हाँ, मैंने इस बाइक पे इसका टैंक और साइड का बॉक्स के लिए मैंने लैमिनेट करवाया है क्योंकि यूजुअली हम बाहर रखते हैं धूप और मट्टी की वजह से टैंक का कलर फेड होता रहता है और अगर आपके घर के पास बिल्ली या कुछ अलग चिड़िया आपका टैंक के ऊपर बैठता है तो उसका स्क्रैचेस आना शुरू होता है, इसलिए मैंने ये पीपी का लैमिनेशन करवाया और इसके वजह से आपको सालों साल तक आपका बाइक का कलर जो है वो ओरिजिनल रहेगा। नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये टैंक पैड। ये मैंने डायरेक्टली होंडा शोरूम से डलवाया था। हाँ, जब मैंने बाइक लिया था तभी उन लोगों ने ये फिट करके दिया था। इस टैंक पैड की वजह से टैंक पे हमारा बेल्ट का बकल का स्क्रैचेस नहीं गिरता है, तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। काश अगर रॉयल एनफील्ड के जैसा उन लोगों ने साइड का भी अगर टैंक पैड दिया होता तो अच्छा होता। आज का हमारा नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये विंडशील्ड। हाँ, क्योंकि होंडा हाइनेस के लिए कोई डेडिकेटेड विंडशील्ड अवेलेबल नहीं है
पर्टिकुलरली टूरिंग विंडशील्ड अवेलेबल नहीं है, मैंने इस पे रॉयल एनफील्ड का मीटियर का विंडशील्ड जो है वो इंस्टॉल करवाया है। हाँ, अगर आप कोई शोरूम में जाते हो, रॉयल एनफील्ड का शोरूम में जाते हो, उन लोग इसको फिट नहीं करते, तो आपको वहाँ से इसको परचेस करना पड़ेगा और बाहर कहीं जाके इसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सेसरी है ये ऑक्सिलरी लाइट को फिट करने के लिए ये क्लैंप। ये मैंने जो है बैंडिडोस से मंगाया है एंड दिस इज डेडिकेटेडली मेड फॉर होंडा हाइनेस। और इसको आपका शॉक अब्जॉर्ब से फिट होता है, क्योंकि मुझे ये भी जो भी एक्सेलरी स्लाइट है उसको ऊपर फिट कराना पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ मैं जब राइड करता रहता हूँ दूसरों को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता हूँ, पर लाइट्स मस्ट है क्योंकि हाईवे में अंधेरा होता है। तो मैंने इसको जितना नीचे हो सके उतना नीचे फिट करवाया हूँ, सो दैट मुझे खाली रास्ता दिखे एंड आने वाले सामने वालों को डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये मैड डॉग का ऑक्सिलरी लाइट्स। हाँ, ये मैंने ब्रांडेड मैड डॉग का लिया है क्योंकि इसका लाइट फोकस जो है ऑलमोस्ट मुझे 300 मीटर्स तक दिखता है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्यूरिंग द नाइट। और मुझे डर नहीं रहता है कि बीच में रास्ते में कहीं खराब ना हो जाए, तो इसको मैंने डायरेक्टली मैड डॉग का लिया है और इसको मैंने डायनामिक राइडर से मंगाया है। नेक्स्ट अपग्रेडेशन या एक्सेसरीज है वो है ये फोक गेटर। इसको डायरेक्टली आपका सस्पेंशन पे फिट होता है, मैंने इसको डायरेक्ट होंडा शोरूम से लिया है। हाँ, ये वन ऑफ द ऑफिशियल एक्सेसरी है और इसको मैं शोरूम से इनिशियली अपडेट करवाया था। इसकी वजह से जब आप हाईवे में चला रहे हो वो टाइम में धूल या मट्टी से आपका सस्पेंशन बचता है और उसका स्मूथनेस वैसा ही बना रहता है। हमारा नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये मडगार्ड का एक्सटेंडर, क्योंकि होंडा का हाइनेस का जो मडगार्ड है बहुत छोटा है, उसके वजह से जितना भी मड का स्प्लैश है वो पूरा जाके आपका इंजन पे गिरता रहता है। तो मैंने ये मडगार्ड एक्सटेंडर जो है उसको फिट करवाया। इसको आप 3M का टेप से भी चिपका सकते हो, पर मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि मिट्टी पानी और धूप में वो निकल जाएगा और रास्ते में कभी चलाते वक्त गिर गया तो परेशानी। तो मैंने ये जो मडगार्ड है उसको ड्रिल करा के इसको कम्प्लीटली फिट कर दिया है, स्क्रू डाल के इसको फिट कर दिया है। तो इसके वजह से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मड स्प्लैश जो इंजन में जा रहा था वो कम्प्लीटली रुक गया है। आज का नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये बैश प्लेट। जो कंपनी से आता है वो बैश प्लेट जो होता है वो खाली एक स्क्वायर पाइप होता है, जिसके वजह से जो भी बड़ा पत्थर है वो सब इसको लगने का चांसेस है, इंजन को लगने का चांसेस है और डैमेज होने का चांसेस है। तो ये जो है वो रॉयल कस्टम का है और इसको मैंने किंग कोटी से अपने इंस्टॉल करवाया एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल। बहुत हैवी मेटल है एंड पाउडर कोटेड है तो रस्ट नहीं होगा और इसमें जितने भी कटिंग है पूरा लेजर कटिंग है, उसके वजह से रस्ट होने का चांसेस नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सेसरी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में, वो है ज़ेना का क्रैश गार्ड। हाँ, ये मैंने डायरेक्टली ज़ेना से मंगाया है, रॉयल कस्टम का भी है, पर मुझे ज़ेना का जो डिज़ाइन है वो पसंद है। इसमें आपको 3 प्लेस, एक यहाँ और यहाँ और यहाँ फिटिंग रहता है, इसके वजह से नॉट ओनली आपका सामने का इंजन और टैंक और पीछे तक इसका प्रोटेक्टेड है, और जब भी अगर आपका बाइक गिरता है तो टैंक से भी बाहर तक इसका स्लाइडर से, इसके वजह से आपका जो बाइक है वो कम्प्लीटली सेफ रहता है, ग्राउंड को टच भी नहीं होता और किसी एंगल से भी आपको पत्थर या कुछ जाके उसमें लगने का चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है ये साइड स्टैंड का एक्सटेंडर। यूजुअली हम देखे होंगे क्योंकि साइड स्टैंड जो होता है बहुत शार्प होता है, जब आप कहीं गीला मट्टी में रखते हो या ऐसा कोई जगह रखते हो जहां मट्टी ज़्यादा है तो स्टैंड उसके अंदर फंस जाने का चांसेस बहुत है, इसके वजह से आपका बाइक का बैलेंस आउट होता है और बाइक गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। एंड बहुत लोग ये करते हैं ऐसे टाइम में एक छोटा पत्थर रख के उसके ऊपर स्टैंड को खड़ा करते हैं, साइड स्टैंड को लगाते हैं। तो ये जो साइड स्टैंड एक्सटेंडर है इसके वजह से आपका ये स्टैंड जो है वो मट्टी में घुसने का चांसेस, जो अंदर घुसने का चांसेस है बहुत कम है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी। अब आएंगे बाइक का पीछे तरफ। यहाँ मैंने मेरा सीट का मॉडिफिकेशन करवाया। हाँ, क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा कम है, मैंने अपने हाइट के हिसाब से इस सीट को थोड़ा बहुत कट करवा के उसके अंदर मेमोरी फोम अपडेट करके एंड ऊपर से CB 350 RX डिज़ाइन का सीट कवर डलवाया है।
इसकी वजह से जब मैं टूरिंग में जाता हूँ, मैं जब एयर कुशन लगाता हूँ, एयर सीट लगाता हूँ, तो मेरा हाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज ऑलरेडी सीट हाइट है, उसके ऊपर अगर मैं एयर सीट लगाता हूँ तो मुझे पैर नीचे लगने में प्रॉब्लम होता है, मुझे बैलेंस मिलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने सीट का मॉडिफिकेशन करवाया है। नेक्स्ट एक्सेसरी है, वो है रॉयल कस्टम का बैकरेस्ट एंड टॉप रैक। दिस इज वन पीस आइटम है एंड अगेन ये हैवी मेटल का से बनाया गया एंड प्रॉपरली लेजर कटिंग एंड पाउडर कोटिंग से फिनिशिंग दिया गया है। इसके वजह से अगर आप कितने भी इस पर वेट रखते हो, आपको वाइब्रेशन या नीचे गिरने का, टूटने का आपको डर नहीं रहता है। एंड ट्रस्ट मी, एनी बाइक जो 300cc से अबव है उसमें बैक रेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। अदरवाइज जो बाइक का पीछे बैठता है, जो पिलियन राइडर है, उसको बाइक का पावर के वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है, हर बार ऐसा लगता है कि पीछे गिर रहा है, एंड इस बैक रेस्ट की वजह से उनको कंप्लीट कंफर्टेबल रहता है और वो भी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है हीरो होंडा का शोरूम से लिया हुआ ये सैडल स्टे। ये यूजुअली अगर जब आप लॉन्ग राइड में जा रहे हो एंड अगर आप पीछे टेल बैग लेके जा रहे हो वो टाइम में, क्योंकि कुछ टेल बैग यू शेप में होता है तो वो टेल बैग टायर के अंदर जाने का डर नहीं रहता है, तो आप कंफर्टेबली पीस ऑफ माइंड के साथ आप राइड कर सकते हो। मगर आप अगर कोई पैनियर्स को फिट कराने का प्लान में हो तो ये सैडल स्टे को आप फिट मत करवाइएगा, ये कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। और इस टूरिस्ट सेटअप का लास्ट एक्सेसरी है वो है ये ASG का 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मस्ट है क्योंकि इसमें आपका एक फुल हेलमेट आ जाता है, इसमें बाकी बहुत सारा आप सामान भी लेके जा सकते हो अगर आप टूर पे जा रहे हो, एंड इसका वाइब्रेशन भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर टॉप बॉक्स। और अगर आप एक या दो दिन का ट्रिप में जा रहे हो तो आपका पूरा जितने भी सामान है वो सब इस टॉप बॉक्स में आ सकता है। एंड इस टॉप का बेनिफिट ये है कि इसको आप जहाँ भी जाते हो इसको डिटैच करके आप रूम में ले जा सकते हो और नेक्स्ट डे इसको फिट कर सकते हो। इसमें ये जो की दिया गया है और ये जो लाल बटन है उसको प्रेस करके आप इस टॉप बॉक्स को डिटैच कर सकते हो, आपके साथ रूम में लेके जा सकते हो और नेक्स्ट डे जस्ट इसको फिट कर सकते हो। अगर आप इस टॉप बॉक्स का कंप्लीट इंस्टॉलेशन और इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं इसका जो वीडियो ऑलरेडी बनाया है उसको मैं आई कार्ड में देता हूँ, उसको प्रेस करके कंप्लीट वीडियो चेक कीजिएगा। तो ये था वो सारे मॉडिफिकेशन जो मैं अपने होंडा हाइनेस को टूरिंग के हिसाब से बनाया है। अगर आपको इस मॉडिफिकेशंस पे कुछ भी डाउट है या कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप डायरेक्टली DM करके मुझसे डाउट क्लियर करवा सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसका जो भी कॉस्ट है और जहाँ से भी मैंने परचेस किया उसका पूरा डिटेल्स मैं फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो दैट आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन रहेगा मैंने कितने में खरीदा है और कहाँ से खरीदा है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस वीडियो में इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आगे आने वाले राइड्स का जो भी जानकारी है वो आपको आराम से मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो।